आओ मिलकर राष्ट्रीय लोक अदालत का दरवाजा खटखटाएं, किसी भी वाद विवाद को लेकर आसानी से सुलह समझौता कर रिश्ते को और मजबूत बनाएं, मानवता को हम सभी लोग आगे बढ़ाएं। आज सुबह टाइम्स पेश करता है आप सभी देशवासियों के लिए। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ मिलकर किसी भी वाद विवाद समझौता कर राष्ट्रीय लोक अदालत का विशेष सहयोग लें। आज 9 मार्च 2024 है और उत्तर प्रदेश में अनेक जगह पर राष्ट्रीय लोक अदालत विभिन्न जिलों में लगाया जा रहा है। आज अयोध्या में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मार्च 2024 आज दिन शनिवार को विभिन्न राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन के साथ साथ विवादों को सरल समाधान हेतु वाद विवाद किसी भी तरह से आपके किसी के यहाँ चल रहा है तो उसकी निपटान हेतु तेजी के साथ इस वक्त चल रही है। सरल भाव से एकमात्र उपाय है राष्ट्रीय लोक अदालत, जो विभिन्न जिलों में आज 9 मार्च 2024 को या विभिन्न अदालतों में लगाया गया है। वाद विवाद निपटान हेतु अपना कार्य करते हुए आसपास में प्यार रसने मानवता के वाद को बढ़ाते हुए जीवन में कुछ अलग सोच है तो आइए, राष्ट्रीय लोक अदालत आपका स्वागत करती है। वाद विवाद आपका पक्ष बनाम विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से समझौता कर रिश्ते को और मजबूत बनाया जा सकता है। आज विभिन्न अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोग सुबह सुबह पहुंचकर आज राष्ट्रीय लोक अदालत का कितने लोग लाभ ले रहे हैं, आज या भाग लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन में भाग लेने पर हम सभी को कितनी गर्व महसूस होता है और कितने लाखों लाखों की संख्या में लोगों का जो है निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हुआ है। आइए हम सभी लोग मिलकर एक जो है मानवतावादी बने और रिश्ते को और मजबूत बनाएं और किसी भी तरह से आपके साथ न्यायालय में लोक अदालत का सहयोग कर उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में आज जो है सरल भाव से इसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें कि दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमे के साथ साथ प्री लिटेशन और मुकदमा दायर करने से पूर्व वैवाहिक विवादों का समाधान भी या सुलह समझौता हो रहा है। जैसे कि इसके माध्यम से आप राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित हुए किए गए योग्य मुकदमों का विवरण इस प्रकार, जैसे कि समस्त प्रकार के सामनीय आपराधिक मामले, नंबर एक, नंबर दो, चेक बाउंस संबंधित धारा 138 NI एक्ट, बैंक रिकवरी, तीसरी है मोटर दुर्घटना प्रतिवाद विवाद, और चौथा है बिजली और जल बिल से संबंधित सामनीय दंड वाद, पांचवा है राजस्व वाद, जो छठवां है अन्य सिविल वाद, यह और यातायात संबंधित चालकों के लिए वेबसाइट के द्वारा आप ई पेमेंट के माध्यम से भी आप भुगतान कर घर बैठे निस्तारण कर सकते हैं। सभी वाद विवाद में यदि किसी भी वाद विवाद चल रहा है, आलंबित है वाद विवाद, राष्ट्रीय लोक अदालत का दरवाज़ा आप खटखटा कर आप आसानी से आप अपना जो है मुकदमा जो है निस्तारण समझौता सुलह कर सकते हैं। यह कितनी अच्छी और कितनी खुशी की बात है कि वाद विवाद के लोग जो है आगे बढ़कर मानवता के लिए, और यह हम सभी को सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि मानवतावादी होने के लिए और रिश्ते को और मजबूत प्रगढ़ बनाने के लिए हम सभी को राष्ट्रीय लोक अदालत का विशेष सहयोग लेने चाहिए। और यह समझौता सुलह के लिए जल्द निस्तारण किया जा रहा है। निस्तारण एवं सुलह समझौता और समस्या संबंधित न्यायालय में पीठासीन अधिकारी अथवा अपने जिले
के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर अपने वाद विवाद समझौता के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत जाकर और वह दरवाजा खटखटाकर सुलह समझौता निस्तारण किया जा सकता है। आज सुबह टाइम्स आप सभी को राष्ट्रीय लोक अदालत में आने के लिए आप सभी को पेशकश करता है। आइए और मानवतावादी, राष्ट्रवादी और जो हम सभी को जनहित में कार्य करनी चाहिए। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।